नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उच्चतम न्यायालय ने कहा, तीन तलाक विवाह विच्छेद का सबसे खराब तरीका है। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई शुरू, पाकिस्तान को मानना होगा अदालत का फैसला। जाधव मामले में पाकिस्तान ने किया वियना संधि का उल्लंघन, भारत का फांसी पर रोक लगाने का अनुरोध। सपा के मुस्लिम नेता बुक्कल नवाब का बड़ा ऐलान, राम मंदिर के लिए दूंगा 15 करोड़ रुपए। आप पर संगीन आरोप लगाते समय बेहोश हुए कपिल मिश्रा, अस्पताल में भर्ती। विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा, संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर भारत हिंदू रिपब्लिकन कर देना चाहिए। विधानसभा में नजर आई समाजवादी परिवार की खटा, शिवपाल और अखिलेश ने नहीं की बात। केजरीवाल की पत्नी सुनीता और कपिल मिश्रा के बीच ट्विटर पर वाक युद्ध, सुनीता ने कपिल को बताया विश्वासघाती। हर साल होती है गर्भपात कराने वाली 20 लाख महिलाओं की मौत, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में फ्लाईओवर से एक तेज रफ्तार कार गिरी, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश में हंगामे के बीच 7 मिनट में ही सिमट गई विधान परिषद की कार्रवाई। गुजरात में जामनगर जिले के धरौल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। इराक के पश्चिमी प्रांत अंबर में हवाई हमलों में 13 IS आतंकवादी मारे गए। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।